सक्सेस का प्लान तो सबके पास है, लेकिन अगर उस प्लान में फेल हो गए तो उससे कैसे डील करना है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। डिप्रेशन 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 ये और कुछ नहीं, इंसान की हार का फर्स्ट स्टेज है। यहाँ अगर आपको कोई बोलता है कि आप बुरे हो और आप मान जाते हो कि आप बुरे हो, तो यहीं से आपकी जिंदगी की हार शुरू हो जाती है। अगर वही आपको कोई बोलता है कि आप बुरे हो, आपको चुपचाप से सुनना बिल्कुल नहीं है। आपको बोलना है सिर्फ दो वर्ड, क्या बोलना है? नजरिया अपना अपना, फिर दुनिया और जिंदगी आपकी उंगलियों पे नाचेगी, देख लीजिएगा। सक्सेस अचीव करने का प्लान तो हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अगर उसी रास्ते में फेल नाम का दरवाजा आ जाए तो क्या करोगे? नीचे कूद जाओगे या उसे तोड़ के आगे बढ़ोगे? आपके ऊपर है, ऑफ कोर्स यार, उसे तोड़ के आगे जाना है। सुसाइड करना मतलब क्या? आपने अपनी जिंदगी से हार मानी है। आपसे बड़ा लूजर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आपको पता है मेरा ये चैनल जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल सोनीज नॉलेज, 2 साल से मैंने खोल के रखा है। एक वीडियो को 1000 जगह शेयर करने पे 150-200 तक व्यूज आते हैं एक वीडियो पे, और लाइक्स तो पूछो ही मत, 20-22 लाइक्स आ जाते हैं भगवान की दया से, आपकी दया से। लेकिन 2 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, और एक स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल होता है ये काम करना, वो मुझसे बेहतर और कोई जान नहीं सकता। अगर आप स्टूडेंट हो, आप यूट्यूबर हो, आप स्टूडेंट यूट्यूबर हो, तो आपसे बेहतर ये और कोई जान नहीं सकता। पढ़ाई के साथ साथ इसको भी लेके चलना, स्क्रिप्ट लिखना, वीडियोज बनाना, ये इतनी मेहनत और व्यूज बिल्कुल ना आए तो दिल तो दुखी होता ही है यार, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान के बैठ जाओगे। और मुझे पता है जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ उसके पीछे मेरी मेहनत एक ना एक दिन ना जरूर रंग लाएगी। डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे तो क्या करें? मेरी मम्मी पापा से सुनिए इसका सॉल्यूशन, और मेरी बहन आपका मन एकदम प्रसन्न कर देगी अपने 2 लाइन के बातों से। तो आगे तक वीडियो देखिए। हिम्मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, हिम्मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। गाइस, आपके मन को शांत करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक कवर सॉन्ग बनाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, हार को सेलिब्रेट करिए, जीत को तो हर कोई सेलिब्रेट करता है, जिंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है। अगर आपको कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका आप सोल्यूशन निकालिए, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों से या अपने बीवी बच्चों से इसको शेयर करिए, ना कि डिप्रेशन में चले जाइए। डिप्रेशन की दवाई कोई नहीं होती है, यानी कि आप डॉक्टर से सलाह लेके दवाइयाँ ले रहे हैं कुछ करिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन क्या है, आप बातों को शेयर करिए और उसका सोल्यूशन निकालिए। आपके पास अगर कोई अच्छा दोस्त नहीं है या किसी भी को भी आप ये प्रॉब्लम अपनी नहीं बता सकते हो, तो आप क्या करिए, एक काउंसलर रखिए, उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुसाइड नहीं होता है दोस्तों। मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को अपने दोस्त की तरह रखना चाहिए, उनकी हर बात को शेयर करना चाहिए। बच्चे क्या हुआ स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी कुछ भी हुआ, तो बच्चे ऐसा फील करें कि मेरे माँ बाप मेरे दोस्त हैं। मैं अपने दोनों बच्चों को अपने दोस्त की तरह रखती हूँ, मैं और मेरे पति अपने दोनों बच्चों को अपने दोस्त की तरह रखती हूँ। मेरे बच्चे अगर कम नंबर लाते तो मैं उनसे ये नहीं बोलती कि आप ज़्यादा नंबर लेके आओ, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप नॉलेज लो, क्योंकि आगे चल के नॉलेज ही काम आएगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगी कि हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने दोस्त की तरह रखें, और हर बच्चे भी अपने माँ बाप को अपना दोस्त समझें और हर बात शेयर करें, कोई बात भी छुपाएं ना। अगर आपको सुसाइड करने का इतना ही शौक़ है तो आप सरहद पे चले जाइए। सरहद के जो हमारे सैनिक हैं वो देश के लिए शहीद हो रहे हैं, ना कि सेल्फिश हैं। वो देश के लिए अपने आप को शहीद कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ करके। आप तो खुद अपने लिए बस सुसाइड कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, ना कि अपने माँ पिताजी के बारे में सोच रहे हैं। तो लास्ट में मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगी कि हर माँ बाप अपने बच्चों को फ्रेंड की तरह रखे, और हर बच्चा अपने माँ बाप को दोस्त की तरह समझे, ना कि एक माँ पिताजी की तरह समझे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छे से हूँ, और आप लोग से आपका हाल जानने के लिए फ़ोन पे आया हूँ। तो ऐसा है दोस्तों कि जो लाइफ हमारी चल रही है ना, इसको हमको मिल बांट कर गुजारना है, क्योंकि इसी में सुख है, इसी में दुख है, सब कुछ इसी में ही है साथ। दोस्तों हमारी जो ज़िंदगी है कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, चंद पानी के बुलबुलों की तरह है, जो चंद पलों के लिए आती है और कुछ ही क्षण बाद लुप्त हो जाती है, लेकिन कुछ पल के लिए आती है जो रंगीन दिखती है,
कुछ पलों के लिए आती है ना, उसको आप ज्ञान ध्यान से देखो तो एकदम रंगीन दिखती है, खूबसूरत दिखती है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हम अपने ज़िंदगी को चंद पलों के लिए रंगीन बनाते। रंगीन में समझ सकते हो कि हमारे अपने, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे रिलेशन, हमारे जो भी दोस्त यार, पैसों के पीछे नहीं भागना दोस्तों, है ना। पैसों के पीछे भागेंगे हम तो हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो अब वो टाइम नहीं रह गया है, इसलिए क्या दोस्तों, सबको प्यार बांट के चलो, प्यार समेट के चलो, अपनों से मिलो। अपनों से दूरियाँ थी ना कि उसको करीबी लाओ, जिससे तुम दुश्मनी किए थे ना, आज उसके जाके गले मिलो उसके। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, लेकिन उसमें आपको जो खुशी मिलेगी ना, मैं चैलेंज देता हूँ, अगर आप अरबपति हो जाओ तो भी वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। आप अपनों के बीच में रहकर जो खुशी महसूस करेंगे ना, वो शायद कितना भी पैसे लो जाओ वो चीज़ महसूस नहीं कर सकता। दोस्त यार से मिलो डेली, शाम को निकाल कर टाइम माँ बाप के साथ टाइम पैसे स्पेंड करो। कुत्ते को दौड़ाते हैं लोग, कुत्ते को कोटी कराते हैं जाके शाम को, सुबह मॉर्निंग में इवनिंग में, लेकिन अपने माँ बाप को कभी साथ में ले जाके नहीं घुमाते। तो दोस्तों कुत्ते से हटकर रियल ज़िंदगी में आइए आप लोग, है ना। हमारे जो वास्तविक जीवन के, हमारे जो हमारे जन्मदाता हैं, हमारे माँ बाप, मतलब भगवान भी बोले हैं कि जो माँ बाप का सेवा नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं ज़िंदगी माने से, ठीक है दोस्तों। तो हमारे सब कुछ है माँ बाप, हमारे हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान, भाई बहन सब कुछ। जिसने माँ बाप का सेवा कर लिया उसका ज़िंदगी स्वर्ग से भी बेहतर हो गया। किसके लिए इतना तनाव है दोस्तों, किसके लिए इतना तनाव है? पैसे के लिए ना, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा जायदाद है, ये मेरा हिस्सा है, एक इंच उधर नहीं जाना चाहिए, एक इंच इधर नहीं जाना चाहिए, सब यहीं कहीं रह जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा बाद में। जब आदमी एंडिंग टाइम आता ना तो सब कुछ भूल जाता, फिर अपनों को याद करता है, उस समय याद करता है कि अपने में, उस समय क्या अपने क्या काफ़ी दूर हो चुके थे दोस्तों, काफ़ी दूर। तो ये दोस्तों ऐसा नौबत ही क्यों हम आने दिए अपने लाइफ में? देखो आज आज क्या है, आज कोरोना बीमारी लगी है, पैसे क्या अहमियत रह गया है? लोग पैसे को रोड में फेंक रहे हैं, तो ये सब टेंशन क्यों है? मेरे को ये काम नहीं मिला, मैं टेंशन में आ गया, मेरे को ये टेंडर नहीं मिला, टेंशन में आ गया, आज मेरा बिजनेस 1 करोड़ का था, 50 लाख रह गया। ये सब डिप्रेशन है दोस्तों, इसी डिप्रेशन में लोग सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, परिवार से गुस्सा करते हैं, एक्सपोजर, जो भी आप समझ सकते हैं मेरी बातों को। मेरा बोलने का मतलब है कि टेंशन में रहने के नहीं है, बिल्कुल परिवार के साथ होगा तो टेंशन आपका भाई थोड़ा लेगा, पापा थोड़ा लेंगे, मम्मी थोड़ा लेगी, बहन थोड़ा लेगी, छोटा भाई थोड़ा लेगा, मिसेज थोड़ा लेगी, भाभी थोड़ा लेगी, भतीजे थोड़ा लेंगे, भतीजी थोड़ा लेगी, सब टेंशन शेयर करके हमारा टेंशन खत्म, बराबर हो गया ना, हम टेंशन फ्री हो गए। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं इस लाइफ में, परिवार को समेट रखो भाइयों। ये गाना मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए गाने जा रहा हूँ, जो उनकी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 लाइन गाने दोस्तों। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम वो तेरी राह में है। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।